नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम फुल अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं बायोमेट्रिक अटेंडेंस डिवाइस का। तो दोस्तों आप भी अगर प्लानिंग कर रहे हो कि आपके ऑफिस में बायोमेट्रिक अटेंडेंस डिवाइस लगाना है एम्प्लॉय के लिए, तो आप अगर खरीदोगे किसी भी कंपनी का हो सकता है, तो उसमें आपको क्या क्या मिलेगा और आप कैसे सेटअप वगैरह कर सकते हो, तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल तो सिर्फ रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग करेंगे, लेकिन दूसरा एक वीडियो आएगा जिसमें हम आपको दिखा देंगे कि कैसे बायोमेट्रिक अटेंडेंस डिवाइस को मतलब सेटअप किया जाता है, कैसे आप सॉफ्टवेयर वगैरह आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल करोगे और सॉफ्टवेयर से कैसे आप अटेंडेंस रिपोर्ट जनरेट करोगे, सब कुछ दूसरे वीडियो में दिखाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कि इस बॉक्स में हम लोगों को क्या क्या मिलता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन है, आप अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों बायोमेट्रिक अटेंडेंस खरीदने के बाद आप अगर बॉक्स में देखोगे तो देखिए यहाँ पे आपको एक बड़ा सा एक डिवाइस मिलता है जो कि फिंगरप्रिंट डिवाइस है और स्मार्ट कार्ड डिवाइस भी है दोस्तों। तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे क्या क्या है नहीं है। तो इसमें फिलहाल देखिए एक डिवाइस हम लोगों को मिला है और यहाँ पे एक कार्ड हम लोगों को मिला है, स्मार्ट कार्ड एक ही है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे एक एडाप्टर डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, पावर देने के लिए एडाप्टर हम लोगों को मिला है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, देखिए 12 वोल्ट का एडाप्टर हम लोगों को मिला है 1.5 एम्पेयर का, तो अवेलेबल है मार्केट में। और देखिए यहाँ पे कुछ कनेक्टर वगैरह हम लोगों को मिला है, तो अभी इसका ज़रूरत नहीं है कनेक्टर वगैरह का। और दोस्तों एक चीज़ और आप लोगों को मिलेगा, इसका जो वॉल माउंट है वो फिलहाल मेरे पास अभी नहीं है, तो वॉल माउंट इसके साथ ही आएगा। वॉल माउंट को आपको वॉल में लगाना है और इस डिवाइस को वहाँ पे सेट करना है, तो उसके साथ स्क्रू भी आता है। तो दोस्तों इसका जो फीचर्स है, फीचर्स में यहाँ पे बॉक्स में आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रोसेस मतलब माउंटिंग प्लेट जो आपको लगाना है वो कैसे लगाना है, वो यहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रोसेस आप लोगों को यहाँ पे दिखाया गया है। और यहाँ पे देखिए सिंपल आपको जो रिपोर्ट जनरेट होके आपके पास आएगा, मतलब आपका जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयज़ किस टाइम पे इन होता है, किस टाइम पे आउट होता है, उसी हिसाब से मतलब कितने टाइम आपका मतलब वर्क किया है और सब कुछ रिपोर्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा, मतलब अटेंडेंस रिपोर्ट भी मिल जाएगा, आपका कोई कैजुअल लीव, अर्ली लीव, सब कुछ यहाँ पे आप सेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हर तरह का मतलब रिपोर्ट आपको मिल जाएगा आपके हिसाब से। आप अगर इंडिविजुअल एम्प्लॉय का रिपोर्ट लेना चाहते हो तब भी आपको मिलेगा, और आप अगर ग्रुप में लेना चाहते हो तब भी आपको मिलेगा। इस डिवाइस से, डिवाइस की मदद से आप शिफ्ट यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि कौन से शिफ्ट में कौन सा एम्प्लॉय यहाँ पे काम करेगा, तो उसी हिसाब से आप यहाँ पे लॉगिन वगैरह सब कुछ करके कर सकते हो। तो उसके लिए दोस्तों इसके साथ एक सॉफ्टवेयर आता है, इसी ESSL बोल के एक सॉफ्टवेयर आता है, तो ESSL सॉफ्टवेयर आपको बाय करना पड़ेगा आपको अगर फुल रिपोर्ट चाहिए। और आपको अगर लगता है कि मुझे सॉफ्टवेयर वगैरह चलाना नहीं है, इस डिवाइस के मदद से ही हम लोगों को रिपोर्ट जनरेट करना है, तो भी बहुत ईजी है। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे जो आपको मिलता है, यहाँ पे देखिए USB पोर्ट आपको मिल जाएगा, जिसके मदद से आप कोई भी पेन ड्राइव लगा के मेनू बटन की मदद से आप फाइल जनरेट कर सकते हो, मतलब एक्सपोर्ट करके पेन ड्राइव में ले सकते हो इसका जो रिपोर्ट है रिपोर्ट। और यहाँ पे देखिए एक रीसेट स्विच दिया है, आप अगर इस डिवाइस को रीसेट करना चाहते हो तो इस स्विच के मदद से आप रीसेट भी कर सकते हो। और देखिए पीछे आपको
यहाँ पे दो कनेक्टर मिलता है जिसका मैंने यहाँ पे केबल वगैरह आप लोगों को दिखा दिया है। अभी तो फिलहाल इस कनेक्टर का कोई काम नहीं है। यहाँ पे देखिए एक ऑन ऑफ बटन स्विच आपको दिया गया है और यहाँ पे RJ45 केबल आपको मिलता है और पावर अडैप्टर का पॉइंट आपको मिलता है। तो देखिए सिंपल सी बात है, इसमें बैटरी ऑलरेडी है तो इस डिवाइस को अगर ऑन करना चाहे तो देखिए यहाँ पे ऑन करने की तुरंत ही यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन है, इसको आपको ऑन करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे डेट एंड टाइम यहाँ पे आपको मिल जाएगा, डेट एंड टाइम यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए मेनू बटन आपको दिया गया है, मेनू बटन के मदद से देखिए यहाँ पे यूज़र मैनेजमेंट, यूज़र रोल एंड यहाँ पे कम्युनिकेशन। तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे क्योंकि इसके ऊपर एक वीडियो आएगा दोस्तों जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप इस डिवाइस को सेटअप कर सकते हो, आपका जो 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 एम्प्लॉय है कैसे एनरोल आप करोगे इस डिवाइस में, और सॉफ्टवेयर आप अगर लोगे तो सॉफ्टवेयर में कैसे बहुत ही आसान तरीके से आप ये वाला काम कर सकते हो। आपके पास अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो भी आप डिवाइस की मदद से भी एम्प्लॉय यहाँ पे एनरोल कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन है, अटेंडेंस सर्च, सेंड मैसेज, यहाँ पे ऑटो टेस्ट, यहाँ पे देखिए सिस्टम इन्फॉर्मेशन, तो डिवाइस कैपेसिटी दोस्तों यहाँ पे यूज़र जो है मैक्स टू मैक्स 800 यूज़र आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, 800 यूज़र दोस्तों यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। और देखिए यहाँ पे फिंगरप्रिंट मैक्स टू मैक्स आप 800 फिंगरप्रिंट यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है कि आप अगर कोई भी यूज़र का फिंगरप्रिंट लेना चाहो तो हम लोगों का जो 10 उंगलियां होती है वहाँ पे भी आपको 10 उंगलियां का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो आप अगर 800 यूज़र आपके पास है तो आप एक ही फिंगरप्रिंट पर यूज़र का आप ले सकते हो। और यहाँ पे देखिए कार्ड यूज्ड आप मैक्सिमम 800 कार्ड यूज़ कर सकते हो इस डिवाइस में। और यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड आप 80,000 तक रिकॉर्ड आप यहाँ पे रख सकते हो। तो दोस्तों यही वाला है डिवाइस का फीचर्स, तो बहुत ही बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम लोगों का क्या होता है कि मंथली रिपोर्ट हम लोगों को चाहिए होता है, तो मंथली रिपोर्ट भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए डिवाइस इन्फो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा, डिवाइस का नेम, इसका सीरियल नंबर, मैक एड्रेस, फिंगरप्रिंट और प्लेटफॉर्म इन्फॉर्मेशन और मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ यहाँ से मिल जाएगा। और देखिए यहाँ पे सबसे बढ़िया बात फार्मवेयर इन्फो, यहाँ पे अगर लेटेस्ट फार्मवेयर आपको अगर अवेलेबल होगा तो आप वो वाला फार्मवेयर आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए रिपोर्ट भी आपको यहाँ से बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, अटेंडेंस रिपोर्ट आपको यहाँ से बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। देखिए यहाँ पे पर्सनलाइज डिवाइस मैनेजमेंट, एक्सेस कंट्रोल सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, USB मैनेजर, यहाँ पे डाउनलोड अपलोड सब कुछ आप यहाँ से मैनुअली कर सकते हो। तो दोस्तों आपको अगर लगता है कि डिवाइस से हमको करना है, कोई सॉफ्टवेयर हमको नहीं चाहिए, तो भी आप ये वाला काम डिवाइस से ही कर सकते हो। लेकिन आपको अगर स्मार्ट तरीके से इस अटेंडेंस रिपोर्ट को आपको जेनरेट करना है, आपको PDF में रिपोर्ट लेना है, डायरेक्टली प्रिंट आउट करना है, तब जाके आपको ESSL वाला जो सॉफ्टवेयर है वो वाला सॉफ्टवेयर आपको खरीदना पड़ेगा। उसके बारे में भी हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे पूरा। तो दोस्तों ऐसे ही आपको करना है। तो देखिए हम लोगों को ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है, वॉल माउंट आप लोगों को मिलेगा, वॉल माउंट की मदद से आप इस डिवाइस को आप वॉल में सेट कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए ऑन हो चुका है, अभी जो फिंगरप्रिंट स्कैनर अभी जल रहा है ये हर टाइम आपका यहाँ पे शो करेगा लाइट जो है। तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट की मदद से आपको फिंगरप्रिंट देना है, मतलब क्लॉक इन करना है, क्लॉक आउट करना है। और इसके बारे में दोस्तों इसका जो फीचर्स है कैसे सेटअप करना है, इसके बारे में हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। उस वीडियो में आपको फुल सेटअप मिल जाएगा कि कैसे आपको डिवाइस को मैनेज करना है, कैसे आपको सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपका जो एम्प्लॉय लिस्ट है उसको यहाँ पे अपलोड करना है,
और कैसे आपको फिंगरप्रिंट सेट करना है, कैसे कार्ड आप अगर चाहते हो कार्ड सेट करना है तो कार्ड कैसे सेट करना है, इस मेनू को आप लॉक करना चाहते हो। देखिए अभी इजीली एक्सेस हो रहा है, तो मेनू को अगर एक्सेस कार्ड से ब्लॉक करना चाहते हो, कंट्रोल करना चाहते हो, तो भी आप कैसे कर सकते हो, दूसरे वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगा जरूर बताइएगा, जो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आए तो जरूर कमेंट सेक्शन में डालिए, क्या क्वेश्चन जानना चाहते, मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों का हेल्प करने का। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे एंड करते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।